आओ शुरू करते हैं कैलेंडर कैलेंडर से रिलेटेड सबसे पहले टर्म है हमारी ओड डेज ओड डेज तो क्या होता है ओड डेज जैसे आप सभी जानते हो विद इन ए वीक एक वीक के अंदर कितने दिन होते हैं सेवन डेज राइट अगर सेवन से कम दिन है फाइव डेज सिक्स डेज वन डेज या फोर डेज कुछ भी मान लो टेन है अब मैं इससे पूछूं इसमें ओ डेज कितने होंगे तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे सेवन से रिमाइंडर क्या बच जाएगा थ्री तो थ्री हमारे क्या होंगे इसमें ओट डेज होंगे राइट थ्री क्या होंगे हमारे इसमें ओर डेज होंगे कैलेंडर सीखने से, से पहले इसके अलावा हमें पता होना चाहिए ए लीप ईयर एंड ऑर्डिनरी ईयर लीप ईयर एंड ऑर्डनरी ईयर तो ऑर्डनरी ईयर यानी साधारण वर्ष तो हमारा क्या होता है ऐसी साल जिसमें क्या 365 डेज होते हैं तीन सौ पैंसठ डेज होते हैं तीन सौ पैंसठ दिन होते हैं लीप ईयर क्या होती है थ्री सिक्सटी सिक्स डेज की ईयर होती है और कोई भी साल जो किससे डिवाइड हो हमारी फोर से डिवाइड हो वो हमारी क्या होगी एक लीप ईयर होगी वो हमारी क्या होगी एक लीप ईयर विच इज डिविजिबल बाई फोर जो फोर से डिवाइड होगी ठीक है और अगर मान लो कोई शताब्दी सेंचुरी वो क्या होगी हमारी लीप होगी या फिर नोट लीप लीप ईयर नहीं होगी तो देखो लीप ईयर के अगर कोई सेंचुरी जैसे टू थाउजेंड ठीक है सेंचुरी ईयर है टू थाउजेंड तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे फोर हंड्रेड से किससे डिवाइड करेंगे फोर हंड्रेड से अगर ये डिविजिबल है कंप्लीटली देन इट शुड बी ए लीप अदरवाइज नॉट डिविजिबल है तो क्या होगा ये एक लीप ईयर नहीं होगी तो ये क्या होगी नॉट डिविजिबल है तो लीप ईयर नहीं होगी हाँ तो क्या बात थी एक ऑर्डनरी ईयर एक सामान्य वर्ष में कितने ओल्ड डेज होंगे तो दोस्तों एक सामान्य वर्ष में 365 डेज होते हैं हम अच्छे से जानते हैं कितने सिक्सटी फाइव डेज इसको अगर सेवन से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या होता है 52 तो इसमें क्या होंगे वीक होंगे प्लस रिमाइंडर हमारा क्या बचता है इसमें वन बचता है तो जो ये वन होगा ना हमारा ये हमारा क्या होगा वन ओड डेज एक साल में कितने दिन होंगे वन ओड डेज इन द सेम वे इन ए लीप ईयर एक लीप ईयर में कितने होंगे भाई थ्री सिक्सटी फाइव के जगह क्या होगा थ्री सिक्सटी सिक्स डिविज बाई सेवन तो यह हमारा क्या था वन वन ओड डे था इसमें क्या बचेगा टू डेज तो कितने ओड डेज होंगे इसमें टू ओड डेज होंगे राइट right? इसी तरह अगर हम एंड्रेड इस में काउंट करते हैं एंड्रेड ईयर में कितने ओड डेज होंगे तो दोस्तों हंड्रेड ईयर में 76 सिक्स तो हमारे क्या होते हैं ऑर्डनरी ईयर्स होते हैं ठीक है प्लस ट्वेंटी फोर क्या होते हैं हमारे लीप ईयर होंगे तो देखो 76 सिक्स में हमारा कितना होगा एक साल में कितना तीरिक दिन होता है एक साल में वन और लीप ईयर में कितना होता है टू तो टू इंटू ट्वेंटी फोर तो 76 सिक्स में हमारा कितना हो जाएगा 76 सिक्स प्लस ट्वेंटी फोर टू जा फोर्टी एट ऑर्डर डेज होंगे राइट और अगर इन दोनों को जोड़ते हैं हम तो वन ट्वेंटी फोर डेज होंगे अब इसको हम क्या करते हैं सेवन से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे कितने आ जाएंगे इसमें फाइव ऑड डेज तो एक साल में दोस्तों कितने होंगे फाइव ऑड डेज सॉरी एक साल में नहीं सौ साल में कितने होंगे हंड्रेडर्स में कितने औ, औ, और दे, और दे होंगे? फाइव ऑड डेज होंगे इन द सेम वे वी कैन कैलकुलेट टू हंड्रेड ईयर्स टू हंड्रेड ईयर्स में होंगे थ्री और डेज थर्ड थ्री हंड्रेड ईयर में होंगे वन और डे ठीक है एंड फोर हंड्रेड ईयर में होंगे दोस्तों कितने होंगे ट्वेंटी वन डेज होंगे तो ट्वेंटी वन को हम सेवन से डिवाइड करेंगे तो जा पूरा पूरा भाग जा रहा है जीरो ओड डेज होंगे तो हमने वन ईयर वन लीप ईयर हंड्रेड ईयर टू हंड्रेड ईयर थ्री हंड्रेड एंड फोर हंड्रेड ईयर्स के हमने क्या निकाल लिए हैं और डेज कैलकुलेट कर लिए हैं ठीक है अगर इसी तरह फोर हंड्रेड के मल्टीप्लाइज हो एट हंड्रेड ट्वेल्व हंड्रेड सिक्सटीन हंड्रेड टू थाउजेंड ये जो वर्ष होंगे ना हमारे इनके डेज भी हमारे कितने होंगे जो फोर हंड्रेड के थे कितने जीरो ठीक है इसका डेज कितने होंगे जीरो अगर ये आ जाते हैं तो भी हम सीधा निकाल लेंगे मान लो टू थाउजेंड टू दे देते हैं भी टू थाउजेंड टू तो इसमें हम क्या करेंगे टू थाउजेंड प्लस टू ईयर तो टू थाउजेंड के ओड्डे हमारे क्या होंगे जीरो टू ईयर के ओडेज हम कैलकुलेट कर लेंगे अगर यहाँ पे कोई डेट दे, देते हैं तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये दोस्तों हमारे हो गए बेसिक रूल्स इसके अलावा मैं बता देता हूँ आपको जो हमारे सेवन डेज होते हैं ना मान लो आपका रिमाइंडर क्या आ गया अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या बच जाता है रिमाइंडर हमारा आ गया टू तो टू को हम क्या मानेंगे भाई जीरो संडे के लिए माने या फिर वन मंडे के लिए माने या फिर कुछ और ट्रिक है तो इसके लिए देखो मैं बता देता हूँ जीरो जो होता है हमारा यानी जीरो रिमाइंडर बचेगा तो कौन सा दिन होगा संडे वन बचेगा तो मंडे इसी तरह ट्यूसडे। थर्ड पे क्या बचेगा वेडनसडे फोर्थ थर्सडे राइट फिफ्थ फ्राइडे सिक्स्थ सैटरडे ठीक है ये जो रिमाइंडर बचेंगे उसके हिसाब से हम क्या करेंगे डेज कैलकुलेट करके बता देंगे तो दोस्तों ये हमारे हो के कैलेंडर के बड़े बेसिक से रूल इसमें कुछ आपको याद नहीं करना है सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझाई है सेवन से डिवाइड करके कितने ऑर्डर डेज बचेंगे और सिर्फ अगर ये ये जो छोटी सी हमने टेबल सी बनाई है छोटे से जो रूल्स पढ़े हैं अगर ये आपको याद है तो आप कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन हो बड़ी आसानी से कर सकोगे ठीक है अब बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ क्वेश्चन है हमारा 17 सितंबर 1950 को प्रधानमंत्री मोदी का जन्म हुआ था उस दिन कौन सा वार था सोमवार था मंगल बुध बिस्पत शुक्र शनि क्या वार था तो देखो सबसे पहले हमारा क्या है 1950 ठीक है इस ईयर को हम करेंगे सोल और फिर हमारा है 17 सितंबर ठीक है तो देखो 1950 को कैसे लिख सकते हम सोलह सौ प्लस तीन सौ प्लस उन्नीस सौ पचास पचास का तो साल है ये तो ये तो कंप्लीट नहीं हो तो हम क्या लेंगे यहाँ पर उन्नीस सौ पचास नहीं लेंगे इसकी जगह क्या करेंगे एक साल कम कर लेंगे अगर ये कंप्लीट होता तो बात अलग थी उन्नीस सौ उनचास ठीक है तो फोर्टी नाइन ईयर्स ये हो गए ठीक है अब देखो सोलह सौ के कितने और डेज होते हैं सोलह से के और डेज़ मैंने आपको बताया था कितने होते हैं ज़ीरो थ्री हंड्रेड ईयर्स के कितने होंगे बताओ थ्री हंड्रेड ईयर्स के कितने होंगे अभी बताए थे मैंने आपको कितना था वन और इसी तरह हम क्या निकालेंगे फोर्टी नाइन ईयर्स के निकालेंगे तो फोर्टी नाइन में क्या होंगे कुछ लीप ईयर भी होंगे तो हम इसको क्या करेंगे फोर्टी नाइन को सेवन से डिवाइड करते हैं सेवन जा, फोर्टी नाइन सॉरी 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 सेवन को फोर्टी नाइन क्या करेंगे फोर से डिवाइड करेंगे लीप ईयर के लिए हम क्या करते हैं फोर से डिवाइड करते हैं तो फोर वन जा फोर फोर टू जा एट ठीक है तो क्या आ गया इसमें ट्वेल्व तो लीप ईयर आ गए प्लस ट्वेल्व में से फोर्टी नाइन हम क्या कर देंगे सब ट्रैक्ट कर देंगे ठीक है तो कितने आएंगे थर्टी सेवन ईयर हमारे क्या आगे नॉर्मल ईयर ऑर्डनरी ईयर और ये हमारे क्या आगे लीप ईयर तो लीप ईयर के लिए कितने डेज होते हैं ओल डेज कितने होते हैं मल्टीप्लाई बाई टू ट्वेंटी फोर और प्लस थर्टी सेवन थर्टी सेवन ये होगी तो ये टोटल कितने हो गए हमारे इन दोनों का अगर हम ऐड करते हैं तो सिक्सटी वन तो इस ईयर का हमारा टोटल ओल डेज कितने आगे जीरो प्लस वन प्लस सिक्सटी वन कितने आगे सिक्सटी टूज ओर डेज आगे ठीक है इसी तरह अगर हम सत्रह सेप्टेम्बर इस साल के कितने डेज हैं टोटल मंथ के तो क्या करेंगे हम वन जनवरी टू सेवनटीन सितंबर के डेज काउंट कर लेंगे तो एक साल में कितने दिन होते हैं थ्री डेज़ और अगर हम इसमें से पीछे के तीन ही महीने बचे हमारे ठीक है दिसंबर के हमारे कितने हैं इकतीस नवंबर के तीस अक्टूबर के इकतीस और सितंबर के हमारे कितने तेरह दिन है तो इनका सम कितना हो जाएगा हमारा वन हंड्रेड फाइव वन हंड्रेड फाइव हम इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो टू सिक्सटी डेज आ गए हमारे उन्नीस सौ पचास के ठीक है तो सिक्सटी टू ये थे और टू सिक्सटी ये आ गे. दोनों को हम क्या करते हैं ऐड करते हैं तो दोनों का अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है टू सिक्स और सिक्स ट्वेल्व और थ्री ट्वेंटी टू थ्री ट्वेंटी टू को सेवन से डिवाइड कर देते हैं थ्री ट्वेंटी टू को सेवन से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा बताओ सेवन फोर जा ट्वेंटी एट फोर और सेवन सिक्स जा फोर्टी टू क्या हो गया कंप्लीटली डिवाइड हो गया रिमाइंडर क्या बच गया जीरो तो रिमाइंडर हमारा क्या आया जीरो तो जीरो किसको रिप्रेजेंट करता है जीरो रिप्रेजेंट करता है किसको संडे को संडे यानी रविवार तो बताओ सत्रह सितंबर 1950 का क्या था हमारा संडे था रविवार था तो इस तरह दोस्तों आप सभी क्वेश्चंस कैलेंडर के आसानी से कर सकते हो कोई भी प्रॉब्लम हो कुछ भी समझ न हो तो इसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं थैंक यू फॉर द वॉचिंग थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।